तो यहाँ हम पहुँच गए हैं, जिसमें से देखिए आप सब लोगों का यहाँ पे चार्ज लगता है। जैसे एंट्री होगी यहाँ पे चार्ज लगेगा, टू व्हीलर का 60 रुपीज़ है और भारतीय नागरिक से 130 रुपीज़ है, जो स्टूडेंट हैं उनकी 50 रुपीज़ है और जो फॉरनर है उनके लिए 500। वाहन बस मतलब सबके ही लिखा हुआ है यहाँ चार्जेस। ये वन्य जीव अभ्यारण्य है टाटगढ़ रावली, ये देख सकते हैं आप। अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे। ये तो वहीं बाइक खड़ी करके पैदल आना है। कहाँ से? नहीं वहाँ से पैदल आना आता है, मतलब तीन चार जने हो ना। उस टाइम कितना खतरनाक रास्ता हुआ है। बारिश में जो रास्ता तो ऐसे ही है। मुझे तो जंगल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। वो आया ऊपर, वो क्या है? गौरम घाट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मटकन वाइब्स। तो आज हम आए हैं, आज मेरे साथ विक्रम भैया है, आज हम दोनों का व्लॉग रहेगा। आज हम आए गौरम घाट, ये देखिए हम आए गौरम घाट, वो जा रहे हैं ऊपर। तो यहाँ हम क्या घूमने वाले हैं, अभी यहाँ ऐसा सीज़न नहीं है घूमने का, लेकिन फिर भी हम घूमने आ गए, देखने आए कि कैसा है यहाँ का। बेस्ट टाइम होता है क्या भैया? अगस्त से अक्टूबर, ये बेस्ट टाइमिंग होता है यहाँ घूमने का। तो आप लोग जब भी आओ तो इस टाइम में आना, बारिश होती है, मस्त झरने वरने चलते हैं, वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे आपको। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, तो यहाँ तो विक्रम भैया की पोस्टिंग है इस वजह से घूम रहे हैं, वरना तो पता नहीं आ पाते नहीं आ पाते। राजस्थान का कश्मीर घूमने, बताओ कश्मीर जाने की कहाँ जरूरत है फिर। तो हम आए हैं बाइक से, वैसे यहाँ ट्रेन से आते हैं मोस्टली लोग, लेकिन फिर वापस जाने के लिए आपको पैदल जाना पड़ेगा, ये वाला सिस्टम रहता है। और जब ट्रेन से, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ चढ़ते चढ़ते। ये देखो हाँ, ये घूम के आती है ना, यू शेप में बनती है। अब आएगी कितने बजे? तो क्या टाइम हुआ अभी? तो वो ट्रेन आती है 2:30 बजे, उस पर बहुत भीड़ रहती है उस टाइम, मतलब सीजन के टाइम में आते हैं अगस्त से अक्टूबर के बीच, तब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है उस ट्रेन में आना, मतलब ऊपर बैठ के आते हैं लोग, ऐसे पूरा दृश्य है ना, ट्रेन से भी देख सकते हैं ऐसे लोग, पता है आपको, पूरा चारों तरफ रहता है ना इसलिए पूरी घूम जाती है, वो यू शेप में हो जाती है ट्रेन, तो ट्रेन से भी दिखता है पूरा। जोग मंडी प्राकृतिक दर्शनीय स्थल, तो ये है देखिए ट्रैक, रेलवे ट्रैक, यहाँ से जाएगी अभी ट्रेन 2:30 बजे। ये पूरी यहाँ से यहाँ घूम, आगे वो सुरंग टाइप में जा रही है क्या उधर, वहाँ से देखिए पूरी वहाँ तक, और नीचे इतना है जहाँ बहुत ज़्यादा वाटरफॉल होता रहता है उस टाइम में। ये वाला मंदिर है, चले क्या उधर, इधर नहीं जा सकते,
ऐसे तो आती हुई पता चलेगी ना, कोई ट्रेन ऐसे थोड़ी ना गई। नीचे कूद जाएंगे नीचे कूद जाएंगे। विक्रम भैया सोचो, सुनो, आपके पास ऑप्शन है ना, ट्रेन आ गई, आप क्या करोगे? ट्रेन के नीचे आना ज्यादा पसंद करोगे, कूदना ज्यादा पसंद करोगे? हैं? हाँ वो चली जाएगी अपने आप, यहाँ पे जाके कुछ नहीं करना, थोड़ी सी कोशिश करनी है और बीच पे जाना। विक्रम मैंने बताया कि यहाँ से ना कूदना है ना बीच में आना है ट्रेन के, ठीक है ना। ये जो बने हुए हैं यहाँ पे, ये बना रखे ऐसे स्टैंड टाइप में, जिसको मतलब पोल बना के यहाँ इनको ट्रैक को या पटरी को जो भी इनको सपोर्ट दिया हुआ है, तो उसके जरिए आप वहाँ जाके बैठ सकते हैं। हड़बड़ाना कुछ नहीं है, अपने दिमाग का काम करें। तो ये देखिए इतना ऊपर है ये, हम इतना ऊपर आ गए हैं, वो हमारी बाइक खड़ी उधर, आप देखिए मैं जूम करके दिखाऊँ आपको। तो वास्तव में बहुत अच्छी जगह यार, मतलब बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट जगह है। देखिए अभी तो बहुत थोड़ा बहुत कम बह रहा है मतलब, लेकिन बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा बहता होगा। आप लोग जगह को चारों ओर से, चारों तरफ दिखाओ, चारों तरफ देख के आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि क्या व्यू रहता होगा, बहुत अल्टीमेट व्यू रहता होगा। जैसे हमारे देश का जन्नत या हमारे देश की जन्नत कश्मीर को बोलते हैं, वैसे ही मारवाड़ की जन्नत है, मेवाड़ की जन्नत है, राजस्थान की जन्नत है। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, और हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे पता नहीं कितना होगा, कितना होगा तुम्हें पता नहीं, लेकिन इतना खतरनाक पुल बनाना, बहुत ज़्यादा मतलब हाइट पे है और पुल बना हुआ है नीचे, आप देखो हम पटरी मतलब उस पे ट्रैक बनाया हुआ है, रेलवे ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से रेल जाएगी, सिर्फ एक ही ट्रेन जाती है यहाँ से जो अभी आएगी 2:30 बजे, और मोस्टली लोग जब भी गोरमघाट घूमने आते हैं उसी ट्रेन से आते हैं, वो बिल्कुल यू शेप में होके घूम के जाती है। तो जो भी लोग हैं वो पूरी ट्रेन से भी इस व्यू का मज़े लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ मंदिर है, आप मंदिर भी जा सकते हैं, और एक वो दूसरा वाला मंदिर है जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, वो वाला मंदिर तो वो ट्रैकिंग के लिए जो लोग जाते हैं वो डेफिनेटली वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। हो सकता है शिव जी का मंदिर हो, ये गर्व से है ना शिव जी का, क्योंकि ऐसे जगहों पर पहाड़ों पर तो शिव जी, शिव भगवान ही निवास करते थे भैया, भोला भंडारी वही थी। तो ये देखिए हम बहुत ऊंचाई पे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नीचे देखने में तो ऐसे डर सा लग रहा है, तो उस टाइम में तो और भी ज़्यादा डर लगता होगा। तुम्हें बंदर बताओ, बंदर 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 उधर देखो, आपको दिख रहे होंगे तो बंदर। यहाँ पे ये एक अभ्यारण्य भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी जानवर मिल सकता है आपको, ज़रूरी नहीं है बंदर ही मिले, कुछ मिल सकता है, आपकी किस्मत है वो। तो बहुत मज़े आ रहे हैं, तो आप जब भी घूमने हो यहाँ पे अगस्त से लेकर अक्टूबर तक आप बीच में आ सकते हैं, जो रेनी सीज़न होता है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छा नेचर देखने को मिलेगा, जो प्राकृतिक लवर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। आप क्या ट्रेन में ही जाओगे एक बार? तो गाइस आप लोग देखिए, एक भैया मिले हमको जो ये अकेले घूम रहे थे कि अकेले घूम रहे हम दोनों की जैसे, ये भी हमारे जैसे आए हैं, तो ये ट्रेन से आए लेकिन हम बाइक से आए, ये ट्रेन से जाएंगे वापस और हम जाएंगे नीचे, नीचे चले गए नीचे जा रहे हो क्या? अभी आने वाली है ट्रेन, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ रह सकते हैं, निकलेगी यहाँ से, निकलेगी। तो आप रुकेगी कहाँ वो ट्रेन? कहाँ स्टेशन? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है वो वाला, नहीं वो आने वाली। ठीक, थैंक यू। वो तो उनकी तो ट्रेन आने वाली, वो जा रहे हैं, हम लोग पुजारी वगैरह था क्या, हम लोग घूमेंगे इधर। ये बता रहे कि नीचे जाओ, नीचे बहुत अच्छा है, नीचे पहले ट्रेन देखते हैं, तो यहीं बैठे रहो अभी, अपन जाना तो उधर से ही है, पर उसके ट्रेन का टाइम देखो ना एक बार। ये वाली ट्रेन जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ से ट्रेन कैसे निकलेगी। सुनो मतलब बहुत, तो गाइस आने वाली ट्रेन आप लोग भी इंतजार करिए ट्रेन का, यहाँ से आएगी ट्रेन, आवाज आ रही है हमें मालूम नहीं हो रहा है कि वो ट्रेन कहाँ है अभी, हम केवल आवाज ही आ रही है, तो आवाज ही सुनाई दे रही है हमको, ऐसा लग रहा है पूरे गाँव में शहर में ट्रेन है, अभी तक एक मिनट हो गया ट्रेन आई नहीं, तेज हो गई आवाज, आप इधर हो जाना, मैं इसके नीचे होके उधर हो जाऊँ, नहीं धीरे धीरे चलना, भागना प्लान कर रहे हैं कि हम ट्रेन को अपनी फोटोज में।
मरते हैं ना वो ऐसे ही मरते हैं, देख लो आप भी देख लो कितने पागल हो रहे हैं फोटो वीडियो के लिए। ट्रेन के साथ जैसे कि ट्रेन नहीं देखी हो, देखी है ट्रेन आई नहीं क्या नजारे में नहीं देखी है ट्रेन, मतलब बोरम घाट ट्रेन नहीं आ रही इधर, ट्रेन से निकल रही है इधर, ट्रेन नहीं आ रही है, आएगी उधर पहुंच गई, पता नहीं चला कहीं भी चला इधर। ट्रेन दिख रही है, ट्रेन हाँ दिख रही है थोड़ी थोड़ी, चलो गाइस देखिए ट्रेन हमको लग रहा था उधर से आएगी लेकिन हमारे साथ पता नहीं था, हमको तो अब इधर से ट्रेन आ रही है आपको दिखाएंगे, इस वाले ट्रैक से आएंगी ट्रेन और बहुत छोटी सी ट्रेन है, ज्यादा बड़ी नहीं है, कम से कम होंगे 6 डिब्बे 6 या 5 डिब्बे इतने से डिब्बे हैं उसमें, इसलिए इतनी भीड़ रहती है इस ट्रेन में क्योंकि पब्लिक नहीं आ पाती लेगी। बढ़िया है ना इस जगह के हिसाब से, इससे ज्यादा ट्रेन में लोग आ जाए तो सारे उतर जाए तो यहाँ कहाँ उतरेंगे पता नहीं, मावली एक्सप्रेस जो भी ट्रेन का नाम है, पर ये उदयपुर से 35 किलोमीटर एक स्टेशन है मावली, वो भी हिल स्टेशन है, उदयपुर से 130 किलोमीटर है गाइस और यहाँ से मारवाड़ की सीमा स्टार्ट हो जाती है पाली की, तो ये दोनों के बीच में ऐसा है मिनी कश्मीर छोटा कश्मीर जन्नत जो भी बोलो आप, बहुत अच्छा है, हमको बहुत मजा आ रही है इधर आके, वैसे तो हम रूम पे पड़े रहते वो ट्रेन ही नहीं आई इधर से, ट्रेन बहुत स्लो हो गई है, आ रही है आप इधर हो जाओ, तो गाइज हम ट्रेन के चक्कर में खड़े थे इधर देखो, हमने बहुत सारे फोटोज वीडियोज खिंचवाए हैं बहुत ज़्यादा, तो ट्रेन के साथ भी खिंचवाए हमने देखो बताओ, लेकिन हम दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे थे कि वो आएगी, तो अब हमारा वेट करना फिजूल लग रहा है हमको, है ना, तो अब चलते हैं दूसरी जगह देखते हैं यहाँ और क्या है, चलो चश्मा लगा लो बोतल, चलते हैं आगे देखते हैं क्या क्या रहता है, तो ये है जोग मंडी वाटरफॉल आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए अब तक भी पानी का बहाव है यहाँ पे, ये देखिए नीचे तक पानी जा रहा है उधर से, वो देखो वहाँ पानी आ रहा है वहाँ से, तो अब तक भी पानी का रिसाव है यहाँ पे पहाड़ों में से पानी आ रहा है, तो यहाँ लोग ओबीसी बात है जैसे वाटरफॉल्स के नीचे नहाते हैं वैसे लोग नहाते होंगे ये नीचे तक, अभी तो कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी रेनी सीज़न नहीं है अभी विंटर सीज़न है, तो मैं तो यहाँ विक्रम भैया के पास आई थी इसलिए मैं हम घूमने आ गए इधर, काफ़ी अच्छी जगह है, विक्रम भैया आप इधर रहें ना बारिश के मौसम में तो एक बार और आ जाएंगे, बिना टिकट प्रवेश नहीं करें, ये देखो तो देखिए हम इतना ऊपर आ गए हैं, ये है मंदिर जो अभी बंद है, पुजारी जी कहीं गए होंगे इसलिए बंद है, लेकिन यहाँ से पूरा देखिए ऐसा दिखता है पीछे से पहाड़ी एरिया, पूरा पहाड़ी पहाड़ है, बीच में ट्रैक है जहाँ से ट्रेन गुजरती है और ये मंदिर है, फिर यहाँ पे वाटरफॉल्स है बहुत सारे, मतलब एक जंगल में आप मंगल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, आपको पूरा एक दिन लग जाए यहाँ घूमने में, तो इतना बड़ा है यहाँ पे, आप हर जगह फ़ोटोशूट कर सकते हैं वीडियोज़ के लिए, लेकिन एक दिक्कत है नेटवर्क नहीं आता है तो आपको फ़ोन में ही करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं आएगा, तो ये बड़ी दुख वाली घटना है, मतलब ये देखिए कितने अच्छे पेड़ हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये डोगी हमारे साथ साथ ही है, ये हमको छोड़ नहीं रहा है, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमारे साथ साथ जा रहा है, हमारा रक्षक है ये इस जंगल में, ये देखिए ये आराम से बैठा है इधर, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, चले बस और यहाँ कुछ है नहीं, जा मतलब बहुत दूर तक जा सकते हो ऐसे, तो पूरा ऐसे जो आप देख रहे हो पूरा जंगल, आप यहाँ से ऐसे रास्ते बना रखे हैं पत्थर लगा के, बड़े बड़े पत्थर लगा के, तो यहाँ से बहुत ऊंचा आप जा सकते हो, बहुत अच्छी ट्रैकिंग कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि वो मंदिर था बहुत ऊपर, तो आप उस मंदिर तक जा सकते हो ट्रैकिंग करने वाले लोग,
तो अभी ऐसा मौसम नहीं है, लेकिन बारिश के टाइम में ज़रूर जा सकते, पर इतना ही रिस्क भी है, बहुत ज़्यादा रिस्की मामला भी है। तो जब भी जाओ आराम से धीरे धीरे। चल बेटा आ जाओ चलेंगे, आ जाओ अभी आ जाएगा हमारे साथ साथ जैसे हम जाएंगे। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा घूम लिए हमको, बहुत टाइम हो गया आए हुए। तो ये देखिए पानी, अब तक भी पानी चल रहा है, यहाँ पे लोग नहाते होंगे बैठ के आराम से, बहुत ऊपर तक है। अब दोबारा कभी आएंगे तब उसी मौसम में आएंगे। ये देखो वो खड़ा हो गया हमारे साथ जाने के लिए वापस। चलो 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 हमारे घर तक मत आ जाना, अभी हमारे साथ साथ चलेंगे। तो ये देखिए हमारा जा रहा है दोस्त, ये बेचारा पता नहीं कहाँ अकेले जंगल में अकेला कहाँ से आ गया, तो ये हमको छोड़ ही नहीं रहा है। जब से हम आए घूमने तब से हमारे साथ ही घूम रहा है। तो अभी ये देखिए इस तरह से मंदिर होंगे बहुत सारे, ये एक दो ही मंदिर नहीं होंगे, बहुत सारे मंदिर होंगे अलग अलग जगह। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको पास से ले जाके, ऐसे चप्पल खोल दो जूते। शिव जी का मंदिर मैं आपको दिखाती हूँ अंदर, ये है हर हर महादेव। देखिए कितना छोटा सा गुफा में मंदिर बना रखा है, देखिए विक्रम में कैसे रखा होगा यार इनको, देखो पानी आ रहा है अंदर, देखो ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं छोटा सा शिवलिंग रख रखा है, यहाँ से देखिए पानी की बूंदें दिस रही है, हल्की हल्की नहा रहा है क्या सॉरी नहा रहे शिव जी, शिव भगवान नहा रहे हैं। देखिए इस तरह की गुफा, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई ला के रखा है या पहले से यही थे। ये देखिए शिवलिंग पे पानी गिरा, ब्रह्मा जी है, शिवलिंग है, नंदी भगवान है और कोई नहीं है, पहाड़ों में शिव जी मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं वापस, पूरा बहुत अच्छा व्यू है गाइस, मतलब पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ, बादलों से घिरा हुआ। सोचो अभी इस टाइम में इतना अच्छा है तो उस टाइम में ये कितना अच्छा होता होगा जब इसका घूमने का सीज़न होता होगा, रेनी सीजन में बहुत अच्छी जगह है बहुत ज़्यादा। तो निकलते हैं, मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ, विक्रम भी आगे जा रहे हैं, और पूरे यहाँ घाट पे हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, बस एक भैया थे वो चले गए उस ट्रेन से, वो सुबह आए थे घूमने अकेले, वो भी अकेले ही थे, अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन इस जगह ऐसा लग रहा है कोई नहीं है, लेकिन उस टाइम में इतनी भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। आप लोग बाकी के व्लॉग देख सकते हैं लोगों के, आपको आइडिया हो जाएगा उससे। तो चल चल चलो 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 चलो, ऐसा रास्ता है पूरा इस तरह से पत्थर ही पत्थर, चलना ध्यान से पड़ेगा, बारिश में तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है विक्रम भैया भाई गिरने का, बारिश में तो बहुत रिस्क रहता है गिरने का। विक्रम भैया आके गए हैं पहले बारिश के टाइम, तो इनको पता है। चलो रे डल्ले बरगटी होले होले, जिनकी सिटी में मारो मन डोले। तो गाइस ये देखिए हम निकल रहे हैं, हम आए थे धन्नो से, विक्रम भैया की धन्नो से आए थे हम, और इसलिए लेके आए मेरे को क्योंकि बारिश का मौसम नहीं था, इसलिए लेके आए बाइक से, अदरवाइज तो बाइक से आना बहुत रिस्की मामला है, इधर ट्रेन से आना ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, यही रहेगा व्लॉग, आप लोग व्लॉग को ज़रूर एंजॉय करिएगा। और ये देखिए ये मेरे को घुमा दिया है पूरा, तो हम यही करते हैं व्लॉग का एंड। आई जस्ट होप आपको व्लॉग अच्छा लगेगा, व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड जो भी कॉमेंट है छोड़ देना। तब तक के लिए बाय।